गाइस कैरम हम सभी ने बचपन में खेला है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंगल कैरम बोर्ड को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि कैरम को बनते हुए देख के आपके दिल में कैरम बोर्ड के लिए इज्जत आ जाएगी और इसे बनाने वालों के लिए भी। तो गाइस अभी यहाँ पे कैरम बनने की शुरुआत हो रही है। ये क्या चीज है? ये फास्टनर है भैया। अच्छा, ये फास्टनर है जी। तो ये डंडे बने हुए आए हुए हैं यहाँ पे, इन्हें फास्टनर की सहायता से जोड़ा जाएगा। दो डंडों के बीच में दो दो फास्टनर लगाए जाएंगे, जिससे आपस में जुड़ जाएं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं चारों ही कोनों पे फास्टनर से ठोककर इसे रेक्टेंगुलर शेप दे दी जाएगी। अच्छा, अब अपना जो फ्रेम है वो तैयार हो चुका है। अब क्या किया जाएगा भैया इसमें? ये कोने गोल हो रहे हैं भैया। अच्छा, अब कोने गोल किए जाएंगे। तो कोने गोल करने का देखिए जो औजार है, इसे बर्रा बोलते हैं, इससे इसके चारों कोने गोल किए जाएंगे। और कोई बहुत ज्यादा गोलाई नहीं दी जा रही है, बस हल्का हल्का गोल किया जा रहा है। आप देखिए चारों कोने से गोल किए जा चुके हैं। उसके बाद इन फ्रेम को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है भैया? ये भैया इसको पट्टी खींची जा रही है पैताम के अंदर, मरम्मत की। जी जी। तो गाइस ये इसलिए लगाई जाती है कि इसके पैताम में अगर कोई छेद हो तो वहाँ पे ये पट्टी भर जाए। और ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है काली काली, ये चाइना मिट्टी की बनी होती है। चाइना मिट्टी और काजल होता है। चाइना मिट्टी और काजल। तो पैताम में चारों तरफ ये लगा दी जाएगी। उसके बाद इन बोर्ड्स को देखिए यहाँ पे रख दिया जाएगा। अभी देखिए जितने भी ये फ्रेम्स हैं सबकी मरम्मत की जा चुकी है। अब भैया ये क्या किया जा रहा है इसमें? ये बरौदे की मरम्मत करी जा रही है भाई, कोनों के लिए। तो आप देख सकते हैं कोनों के जो छेद होते हैं इस मरम्मत से पूरे फिल हो जाएंगे। अभी से भैया धूम में रख दिया जाएगा सूखने के लिए। और कितनी देर सूखेगा भैया? ये कम से कम भैया एक घंटा। अच्छा, एक घंटा सूखेगा। एक घंटा चाहिए। तो गाइस कोई दो घंटे हो चुके हैं, देखिए फ्रेम जो है अपने आप सूख चुके हैं। अभी इन्हें छत से उतारा गया है और यहाँ पे इनका ढेर लगा दिया गया है। अब इसके बाद इन फ्रेम्स को लिया जाएगा। अब इस पर रेगमाल लगेगा जी। तो मरम्मत करने के बाद सुखाया गया है और उसके बाद इसके ऊपर वाले सिरे पर रेगमाल लगाया जा रहा है। रेगमाल भैया से चिकना करने के लिए। चिकना करने के लिए। अब देखिए ऊपर से अपना फ्रेम जो है बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। इसके बाद ये जो अपना शुरू में लगाया गया था वही चीज फिर से ली गई है, चीनी मिट्टी और काजल। चाइना मिट्टी और काजल। और जो पोर्शन अपना रह गया था पहले, अब इसकी मरम्मत वहाँ पे की जा रही है। तो गाइस ये जो चाइना मिट्टी लगाई जाती है, इसका पर्पस ये होता है कि फ्रेम इससे चिकना हो जाए, जिससे कि जब हम कैरम खेलें तो हमारे हाथ में इससे कोई झांस ना लगे। तो देखिए पूरे फ्रेम पर लगा दी गई है चाइना मिट्टी और उसके बाद इन्हें अलग रख दिया गया है। यहाँ पे भैया कितनी देर सूखेंगे ये? 10 मिनट में। अब क्या किया जाएगा भैया? तो गाइस एक बार चाइना मिट्टी पहले ही लग चुकी है, अब देखिए फिर से रेगमाल मारा जा रहा है। और रेगमाल लगाने के बाद एक बार फिर से यही जो चाइना मिट्टी अपने लगाई गई है फिर से लगाई जाएगी, जिससे कि इसके जितने भी आउटर सरफेस हैं वो बिल्कुल चिकनी हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो भैया ऐसे जितनी भी कैरम बोर्ड बनती हैं सबके फ्रेम पे ऐसे ही होता है या केवल कुछ पे ही? सबका होता है भैया। तो गाइस जब हम कैरम खेल रहे होते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि सिंपल से बोर्ड को बनाने में भी इतनी मेहनत लगती है। इसके बाद भैया फिर सुखाया जाएगा इसे। तो अब देखिए गाइस एक और बार इसे सुखाने के लिए रख दिया गया है। अब इन फ्रेम्स को यहाँ से फिर से लिया जाएगा। आप क्या करेंगे भैया इन पर? भैया रेगमाल लगेगा। अच्छा, एक और बार रेगमाल लगेगा जी। तो गाइस दो बार रेगमाल लगा के इसकी मरम्मत की जा चुकी है। अब देखिए तीसरी बार रेगमाल लगाया जा रहा है। तो इस पूरे फ्रेम के हर एक कोने को रेगमाल लगा के अच्छे से तैयार किया जाएगा। अभी भैया हो गया तैयार, इसके ऊपर कुछ और होगा? इसके ऊपर भैया ब्लैक कलर कलर होगा। और कलर करने के लिए देखिए ब्लैक कलर है जो इसमें किया जा रहा है। तो भैया ये जो अपना एक कैरम तैयार हो रहा है इसका प्राइस कितना रहता है? लगभग 650 रुपए। तो गाइस अब देखिए कितनी मेहनत लगी है इसके अंदर, और एक बोर्ड जो तैयार होगा वो 650 रुपए का होगा और 3 दिन लगते हैं तैयार होने में। अब देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर कर दिया गया है। कलर करके इसे यहाँ पे रख दिया जाएगा जहाँ पे 10-15 मिनट में सूख जाएगा। कलर देखिए इनका अब सूख चुका है। और कलर सूखने के बाद अब इनके ऊपर फिर से रेगमाल मारा जाएगा। तो आप देखिए फिनिशिंग में यहाँ पे कितनी मेहनत की जा रही है। 3 बार पहले रेगमाल मारा जा चुका है और अब ये चौथी बार रेगमाल मारा जा रहा है। अभी भी ये फ्रेम तैयार नहीं हुआ है। अब भैया क्या लगाया जा रहा है इसके ऊपर? पॉलिश लगाई जा रही है। अब फ्रेम भैया तैयार हो गया अपना। फ्रेम का काम अपना पूरा हो चुका है। अब देखिए प्लाई ली जा रही है जो कैरम बोर्ड के अंदर आएगी। तो ये जो प्लाई आई है सबसे पहले इसके ऊपर सीलर खींचा जा रहा है, जिससे ये प्लाई चिकनी हो जाती है। तो आप देखिए जहाँ जहाँ सीलर लगा है वहाँ वहाँ आपको प्लाई के रेशे नजर आने लगे होंगे। सीलर लगा के थोड़ी देर प्लाई को सुखाया गया है। उसके बाद देखिए प्लाई के ऊपर भी रेगमाल लगाया जा रहा है, ये भी भैया इसको चिकना करने के लिए। ये साचा फिट करने के बाद देखिए इसके नीचे अपनी प्लाई ली गई है। उसके बाद भैया ये क्या डाला जा रहा है इसमें? शाही भैया ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक शाही डाली जा रही है। अब ब्लैक शाही लेने के बाद देखिए उसको पूरे साचे के ऊपर फिराया जा रहा है, जिससे कि अपनी जो प्लाई थी, प्लाई के ऊपर जो पैटर्न होता है कैरम बोर्ड का, ये छप जाए। तो ये देखिए प्लाई के ऊपर कितनी बढ़िया तरीके से छप के आया है। ब्लैक वाली छपाई हो चुकी है और उसके बाद देखिए जो रेड कलर वाला रहता है वो किया जा रहा है हाथ से। प्रिंटिंग वाला काम अपना पूरा हो चुका है। और उसके बाद देखिए लकड़ी का फ्रेम लिया गया है जिसे चाकड़ी बोलते हैं, इसके ऊपर लगाया जा रहा है फेविकोल।
और ये चिपकाया जाएगा फ्रेम के पीछे की तरफ। उसके बाद जो प्रिंट हुई अपनी प्लाई है वो इस चाकड़ी के ऊपर रख दी गई है। फिर इसी तरीके से एक और चाकड़ी के ऊपर फेविकोल लगाया है और वो ऊपर की तरफ रख दी गई है। उसके बाद इनके ऊपर वजन रख दिया है जिससे दबकर अच्छे से अपनी सेट हो जाए। चाकड़ी लगने के बाद देखिए इस फ्रेम को यहाँ लाया गया है जहाँ पे इसके ऊपर पॉलिश की जाएगी। पॉलिश इसीलिए की जाती है कि इसमें चमक आ जाए। तो देखिए प्लाई के ऊपर जहाँ जहाँ पॉलिश की जा रही है वहाँ वहाँ से इसमें चमक आती जा रही है। तो गाइस अब देखिए प्लाई अपनी तैयार हो चुकी है, अब इसकी जड़ाई की जाएगी। अच्छा, ये बोर्ड की जड़ाई हो रही है जिससे बोर्ड अपना इसमें फिट हो जाए। अब फाइनली देखिए बोर्ड की जड़ाई हो चुकी है, प्लाई अपनी बोर्ड में जड़ी जा चुकी है। इसके बाद भी कुछ और होगा भैया? और ये काम भैया पूरा हाथ से ही होता है? जी हाँ जी, पूरा हाथ से होता है। तो भी देखिए गोलाई भी अपनी कैरम बोर्ड में काटी जा चुकी है और ये काम किया गया पूरे तरीके से हाथों से। गोलाई करने के बाद देखिए गोलाई की घिसाई की जा रही है। उसके बाद देखिए अब जाली ली गई है, जाली रखी जा रही है इसके ऊपर जिससे अपनी गोटी कलेक्ट होती है। और अब इसे फाइनल टच दिया जाएगा, इसमें इसके ऊपर एक और बार पॉलिश की जाएगी। तो कैरम बोर्ड को बिल्कुल ऐसा सजाया जाता है जैसे दुल्हन को सजाया जाए, इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो गाइस एक सिंगल कैरम बोर्ड बनने में इतनी मेहनत लगती है, 3 दिन से हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, 3 दिन में एक बोर्ड जाकर अपना तैयार हुआ है। जब हम कैरम खेलते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि इस कैरम बोर्ड को बनाने में इतनी मेहनत लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कैरम खेलते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि कैरम बोर्ड बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और अगर आप यहाँ से कैरम मंगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप इनसे कैरम मंगा सकते हैं। 100 रुपए से यहाँ पे कैरम बोर्ड शुरू हो जाते हैं और 1,00,000 रुपए का एक कैरम बोर्ड तक इनका फाइनल प्राइस जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।